कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ नेताओं का कर्नाटक में जमावड़ा लगा हुआ है, तो कुछ नेता सभा करने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ एक विवादित बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। जहां बीजेपी खड़गे पर हमलावर है, वहीं खड़गे के बयान पर कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीले सांप की तरह कहकर पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा नहीं है कि खड़गे ने पहली बार ये बयान दिया है या फिर इससे पहले किसी नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ बयान न दिया हो। जब जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है, तब तब उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। हर बार कांग्रेस नेताओं का बयान उल्टा ही पड़ा है। चलिए आपको अतीत के कुछ ऐसे बयान की कहानी सुनाते हैं जिसने चुनाव से पहले कांग्रेस का बंटा धार कर दिया। हालांकि खड़गे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पीएम की विचारधारा सांप की तरह है। मैंने उनके बारे में ये बात नहीं कही, मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके विचारधारा सांप की तरह है। सोनिया गांधी, मौत का सौदागर वाला बयान कौन भूल सकता है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात चुनाव के दौरान ये बयान दिया था। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे। सोनिया ने नवसारी में चुनावी रैली में कहा था, गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान मौत के सौदागर हैं। राज्य में बीजेपी की फिर से सरकार बनी। राहुल गांधी, 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बयान से मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर बनी और केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस दो अंकों में ही सिमट गई। मणिशंकर अय्यर, 2014 में ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचे, वे चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इसी बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया था और भारी बहुमत से जीत हासिल की। 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार कहकर एक नया विवाद पैदा कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला था और राफेल डील में घोटाला करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बता दिया था। इसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात में जनसभा में इसका जवाब देते हुए कहा था, आपने हमें नीच कहा, निचली जाति का कहा। गुजरात चुनाव के नतीजे बताएंगे कि गुजरात के बेटे को नीच कहना कितना भारी पड़ेगा। गुजरात में कांग्रेस की हार हुई। इसके पहले भी खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ 2022 में बयान दिया था और पीएम मोदी को रावण बताया था। खड़गे ने कहा था, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव विधानसभा में भी तुम्हारी सूरत देखें, एमपी चुनाव लोकसभा में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें, कितने चेहरे हैं आपके, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या। इसके बाद कांग्रेस की यूपी में भारी हार हुई थी। 29 अप्रैल को कर्नाटक में पीएम मोदी 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी इस दिन खड़गे और कांग्रेस को जवाब दे सकते हैं। जिस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, अब मुमकिन है कि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद कर्नाटक चुनाव में सारे समीकरण बदल जाएंगे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।